इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN 7 में आप सभी का हर मतम। जुर्म और इख्तदार किस कदर हाथ में हाथ मिलाए चलते रहते, इसका नमूना आपको योगी आदित्यनाथ के रोगी राज में देखने को मिलेगा। किस कदर जहनी बीमार सियासतदान का तालमेल जुर्म के साथ रहता है, एक बार फिर मंजरे आम पर आ चुका। उत्तर प्रदेश कैसे हत्या प्रदेश बन गया है। विकास दुबे एक गुंडा है, एक हिस्ट्री शीटर जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अफसर आ गए तो गुंडों ने गोली से भून दिया, जिसमें DSP समेत 8 पुलिस वालों को शहादत नसीब हुई। अक्सर हमने यह सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, पर भगवान लिबास पहनकर धर्म की आड़ में सियासी रोटियां सेकने वाले वजीर आजम योगी का पर्दाफाश जरूरी है, ऐसा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा। इन्होंने यह भी कहा कि कैसे जंगल राज पनप रहा है, यहाँ गुंडा राज चल रहा है और आवाम को भी मालूम होना चाहिए कि कैसा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा। अखिलेश यादव और विपक्ष का कहना है कि गुंडों ने कई बार सड़क पर पुलिस अफसरान को पीटते हुए देखा होगा, पर अब नौबत यह है कि पुलिस को बेखौफ होकर फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुजरिमों को जल्द पकड़कर इख्तदार पर बैठा भगवा लिबास पहने योगी की सच्चाई को सामने लाने की मांग की जा रही है। इनका यह भी कहना है कि दहशतगर्दी अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि देश के अंदरूनी हिस्सों में भी हुकूमत पर बैठे लोगों की जानिब से फैलाया जा रहा है। ट्वीट पर कई इल्मी दानिशों ने और लेखक पत्रकारों ने लिखा है कि क्या अगर विकास दुबे की जगह कोई वकार होता तो आज देश भर में किस तरह का हंगामा बरपा होता। इन्हें दहशतगर्द ठहरा कर किसी आलमी तंजीम से जोड़ा जाए। पत्रकार वसीम अक्रम त्यागी ने फेसबुक पर लिखा है कि अगर कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे के बजाय वारिस अली होता तो अब तक हत्याओं के तार आतंकवादी दहशतगर्दी तंजीमों से जोड़ दिए गए होते। मीडिया के बौद्धिक आतंकी जो इस आतंकी घटना पर नपातुला बोल रहे हैं वे जहर उगल रहे होते और इसे भारत के खिलाफ युद्ध यानी जंग तक करार दे चुके होते। तमाम सरकारी एजेंसियां मीडिया इस घटना के आरोपी यानी कि मुजरिमों की तो छोड़िए रिश्तेदारों को तक घसीट लिया गया होता। सबसे दिलचस्प यह है कि कुछ मुस्लिम नामवर इस घटना पर खुद के मुसलमान होने पर शर्मिंदा हो रहे होते। यह सब यूं ही नहीं होता बल्कि मीडिया और सरकारी तंत्र के दोगले व्यवहार ने लोगों की सोच को ऐसा ही बना दिया है। विकास दुबे कानपुर कांड का मास्टरमाइंड है। क्या किसी दुबे चौबे छब्बे पांडे आदि को यह कहते सुना है कि वह ब्राह्मण होने पर शर्मिंदा है? क्या इस घटना के बाद किसी हिंदू को यह कहते सुना है कि वह हिंदू होने पर शर्मिंदा है? नहीं, ऐसा सफाई सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ही आती है क्योंकि सारा किस्सा ही नाम का है। मीडिया और वोट बैंक की राजनीति ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडे चलाए कि उस समाज विशेष का हर आदमी अपराध बोध में जिंदगी गुजारे। कहने का मतलब यह है कि किस कदर अगर मखसूस समाज का होने पर खबरें बदल दी जाती है, और शायद यही कुछ इल्मी दानिश्वर कहना चाहते हैं। जब यह कहा जा रहा है कि विकास दुबे कांड का मास्टरमाइंड है तो इख्तदार पर बैठे योगी से इसके तार जुड़े हुए हैं, और अगर वाकई इसके तार जुड़े हैं तो इस पर ईमानदारी से तहकीकात होगी। क्या असल मुजरिमों पर कार्रवाई होगी? तमाम सवाल क्या सिर्फ सवाल बनकर इख्तदार की ताकत के नीचे दब जाएंगे या हकीकी मुजरिम लोहे की सलाखों के पीछे होंगे? यकीनन देश की सरहदों पर चीन के फौजियों ने भारत के जवानों को शहीद किया था, उससे भी खतरनाक देश के अंदर पनप रहे दहशतगर्द है जो पुलिस पर गोलियां चलाकर शहीद कर देते। देश के अवाम इन्हें भी फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहती है, क्या इंसाफ होगा? ऐसे कई सवाल अवाम करने लगे। योगी हुकूमत क्या सख्त फैसलों के साथ अवाम का भरोसा जीत पाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।